यूपी से उत्तराखंड तक चला योगी का हंटर। ये योगी है भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ेगा नहीं। यूपी में किया भ्रष्टाचार, उत्तराखंड में किया वार। करोड़ों की संपत्ति वाले आईएएस पर शिकंजा। योगी सरकार के हंटर की गूंज का असर अब दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। योगी का एक और एक्शन सुर्खियों बन रहा है। भले ही कार्रवाई उत्तराखंड में हुई हो, मगर पर्दे के पीछे योगी ही है जो भ्रष्ट अधिकारियों का पीछा यूपी के बाहर तक नहीं छोड़ रहे। तभी तो रिटायरमेंट के एक हफ्ते पहले ही उत्तराखंड के चर्चित आईएएस ऑफिसर रामविलास यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिरकार क्यों और कैसे, तो बताते हैं आपको इन पर लगे आरोपों के बारे में भी। पहले ये जान लीजिए कि इन पर आय से अधिक 500 गुना ज्यादा संपत्ति रखने का आरोप लगा है। तो कौन है आईएएस रामविलास यादव? तो सुनिए, रामविलास यादव कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बल्कि उत्तराखंड सरकार में समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव पद पर तैनात थे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ विकास प्राधिकरण में सचिव भी रह चुके हैं। लखनऊ के एक व्यक्ति ने उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार सरकार इन पर किस तरह से शिकंजा कस रही है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पहले तो इनकी सारी संपत्तियों की जाँच की। जैसे ही पहले उनकी जांच में उनके ठिकानों पर नोटों का जमकर निकलना शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश की विजिलेंस टीम भी हरकत में आ गई। फिर क्या था, दोनों राज्यों की टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। किन किन राज्यों में विजिलेंस टीम ने की छापेमारी? उत्तराखंड के देहरादून से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिले, जिसमें राजधानी लखनऊ के साथ साथ गाजीपुर और गाजियाबाद जैसे जिले शामिल है, वहाँ वहाँ विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। दरअसल जांच से बचने के लिए और गिरफ्तारी के डर से आईएएस साहब हाईकोर्ट भी गए, मगर हाईकोर्ट ने भी अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने विजिलेंस टीम के सामने उनके बयान दर्ज कराए, लेकिन रामविलास के पास अपने आप को सच साबित करने के लिए कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, जिसके चलते प्रारंभिक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, इसमें जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं रामविलास यादव जी, ये इनके विरुद्ध हमें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति जब मिली थी मई 2022 में, उसके बाद से लगातार हम लोगों ने इनकी संपत्तियों पर कि कहाँ पे इनकी संपत्ति कैसे, क्योंकि हमने शुरुआत की अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पाया था कि इनकी संपत्ति आय से अधिक जो है वो 522% के करीब आ रही थी, जो कि काफ़ी अधिक थी। तो इसलिए हमने शासन से अनुमति मांगी थी कि इसमें हमें मुकदमा दर्ज करने की परमिशन मिले, जो हमें मिल गई। उसके बाद हमने जब जाँच की तो जाँच में हमें कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले जो उनके घरों के छापे से भी मिले, जो कि ऐसे थे जिससे कि हम इनके भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी मतलब साक्ष्य जिसको कहते हैं मिला हमें। तो उसके आधार पे हमने इनको दबिश दी इनके घरों पे और इनको पूछताछ के लिए बुलाया। जब ये आए तो इन्होंने जो सवाल हमने किया उसका ये जवाब संतोषजनक नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनका कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इस आधार पे इनको गिरफ्तार कल रात किया गया 2:15 पर, और आज हम इनको कोर्ट में पेश करेंगे। सर, एक्शन के तौर पर क्या? इतना ही नहीं, खबरें तो ये तक है कि यूपी सरकार की जांच में सामने आया है कि आईएएस ऑफिसर रामविलास यादव की माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से खासी नजदीकी थी। इस ऑफिसर ने यूपी में नौकरी के दौरान बेहिसाब संपत्ति कमाई। यूपी सरकार ने जांच पूरी करने के बाद उत्तराखंड से एक्शन लेने को कहा है। यानी कि साफ है कि भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने के लिए योगी सरहद नहीं देख रहे। अगर ऐसा होता तो आज रामविलास यादव सलाखों के पीछे नहीं होते। मतलब ये भी संदेश साफ है कि उन भ्रष्ट अधिकारियों पर भी अगली बार गाज गिरने वाली है, उनका नाम भी अगली लिस्ट में शामिल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।